बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी। 1 kg दूध लिया है हमने, और इसमें हमने 1/2 कप हमने इसमें चीनी ऐड की है। उसके ऊपर से हमने 4 चम्मच कॉफ़ी ऐड करा है। 2 टेबल स्पून गर्म पानी ऐड किया है हमने इस पर। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो इसका ब्राउन कलर है, ये ब्राउन मिक्स करने के बाद वाइट हो जाएगा। ये देखें ऐसे ऐसे वाइट हो रहा है। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ हमारा दूध भी बॉईल हो रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या बोले, आप लोगों को हमारी रेसिपी किस पसंद आई। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आप लोग कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कॉफ़ी का तरीका, ये रेसिपीज हमारी। और ये जिस तरह मशीन से कॉफ़ी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरह तैयार होगी, रेडी होगी इस्प्रेसो कॉफ़ी। ये आप लोग आगे आगे देखते जाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं, कल जैसे कि बारिश हुई कराची में, तो कराची में सर्दी बढ़ गई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको बना के पीजिए, इससे सर्दी कम लगेगी। और ये कमर के दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो जिनके कमर में दर्द है वो रोज़ाना पी लिया करें। ये अच्छी तरीके से बीट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह हम बनाएंगे इसको। देखिए ये कप मेरा भाई लेकर आया था, उमरा करने गया था, तो इस कप में मैं आप लोगों को कॉफ़ी निकाल कर दिखाऊंगी, बनाकर दिखाऊंगी। चले तो चलते हैं कॉफ़ी की तरफ। ये दूध भी बॉईल हो चुका है, ये देखें। चम्मच हम कप में ऐड करेंगे इस तरीके से। और ऊपर से दूध ऐड कर देंगे हम इसमें। ये देखें ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपीज पसंद आई है तो, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।